सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। मेफेजेस्ट किट के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, मेफेजेस्ट किट में आपको 5 टैबलेट मिलती हैं, और जो पहली टैबलेट है वो है मिफेप्रिस्टोन, ओके। और ये प्रोजेस्टेरोन के एंटागनिस्ट है, मतलब कि जो प्रेगनेंसी का जरूरी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये उसको बंद करती है, उसको इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़त्म होती है। अगली जो 4 टैबलेट हैं मिसोप्रोस्टोल, ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, और जो प्रेगनेंसी का मटीरियल होता है आपके यूट्रस के अंदर वो एक्सपेल आउट हो जाता है, इतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, ओके। अब बात करें गाइस कि इस टैबलेट के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इस किट में जैसा मैंने आपको बताया कि इस किट में 5 टैबलेट होती हैं, लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो 2 होते हैं। पहला है मिफेप्रिस्टोन जो कि 200 मिलीग्राम में होता है, और बाकी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है मिसोप्रोस्टोल, और ये 4 टैबलेट होती हैं, हर एक टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की होती हैं। तो गाइस जब आप मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेते हो तो इस टैबलेट को लेने पर साधारणतः ना तो आपको ब्लीडिंग होती है, ना ही नोजिया वोमिटिंग, ना ही एब्डोमन क्रैम्प्स देखने को मिलता है, लेकिन इस टैबलेट के कई बारी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इस टैबलेट को लेने पर हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, एब्डोमन क्रैम्प्स शुरू होते हैं, नोजिया वोमिटिंग डिजीनेस शुरू हो जाती है, कई बारी हेडेक होता है, डायरिया हो जाता है, और कई बारी ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है डिजीनेस के कारण, या फिर जो उसका ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाता है। तो ये इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आगे बात करते हैं मिसोप्रोस्टोल टैबलेट के, तो गाइज इस टैबलेट को लेने पर आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ एब्डोमन क्रैम्प्स शुरू होते हैं, नोजिया वोमिटिंग, बैकएक, हेडेक, डिजीनेस शुरू होता है, साथ ही कई बारी डायरिया भी हो जाता है, जो कि ये बताते हैं कि ये टैबलेट अच्छे से काम कर रही है। इस टैबलेट को लेने पर 30 मिनट से 24 घंटे तक अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है, साथ ही एब्डोमन क्रैम्प्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये टैबलेट अपना काम कर रही है, ओके। लेकिन अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है और नोजिया वोमिटिंग लगातार हो रहा है, एब्डोमन क्रैम्प्स ज़्यादा हो रहे हैं, साथ ही चक्कर आ रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, साथ ही फीवर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट ने आपको साइड इफ़ेक्ट किया है। साथ ही कई बार ये टैबलेट रिएक्शन भी करती है, अगर आपको स्किन रैशेज हो गए हैं इस टैबलेट को लेने पर, या फिर आपके दिल की धड़कन बढ़ गई है, या फिर आपका जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तब भी इस टैबलेट का आपको रिएक्शन हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको मिसोप्रोस्टोल टैबलेट को लेने के 24 घंटे के बाद में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग कितनी हैवी ब्लीडिंग, मतलब ये है कि अगर आपको एक घंटे में 2 पैड से ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको हैवी ब्लीडिंग है, और इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट ने आपको साइड इफ़ेक्ट किया है। साथ ही अगर आपको एब्डोमन क्रैम्प्स ज़्यादा आ रहे हैं, कितने एब्डोमन क्रैम्प्स, अगर आपके एब्डोमन क्रैम्प्स पेन किलर खाने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट ने आपको साइड इफ़ेक्ट किया है। साथ ही अगर 24 घंटे के बाद भी अगर आपको नोजिया वोमिटिंग है, बैकएक है, या फिर हेडेक है, या फिर आपको डिजीनेस है 24 घंटे के बाद भी, तो भी इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, जो मिसोप्रोस्टोल टैबलेट है इसका असर 24 घंटे तक रहता है, फिर ये जो टैबलेट है ये आपके ब्लड से वॉश आउट हो जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है, तो मैक्सिमम इस टैबलेट का जो असर है वो 24 घंटे तक रहता है। अगर आपको 24 घंटे के बाद भी एब्डोमन क्रैम्प्स के साथ हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर नोजिया वोमिटिंग, या फिर चक्कर आ रहे हैं, डायरिया हुआ है, तो इस टैबलेट का आपको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, जिसके चलते आपको किसी गायनी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।